इंदा चरना च गुरु दशमेश दे धरती नदेड़ साहब दी एक कौतक कौतक गुराने वरताया पहुंच डेरे माधोदास दे पेखी साधनू साधनू वर जमाड़े पास्यों रस्ते सी सच दे उते पाया पाया बंदा सिंह शेर उसनू गुरा सजाया गुरा तोर दिता वालनू पंजाब दे बंदा सिंह सूर मेनू नाल तोरिया तोरिया बनोद सिंह पाई नाल भाई कान सिंह जी नाल पाई भाई मस्तान सिंह तुरिया चुक हाथी तलवार जी बुकदा बुकदा तू बस रहंद सोतना सौ चुकदा बंदा सिंह दी मदद उत्ते लड़िया बंदा सिंह दी मदद उत्ते लड़िया भाई मस्तान सिंह जी रहा जूझदा जूझदा महिमा बेच डट के तुरक विरोधियां ना लड़दा लड़दा सी लड़दा विरोधियां ना पा गया अंत शहीदी सूरमा लड़के लड़के वैरियां नू नाल तेग दे करके जद हो गया शहीद मस्तान सो मगरों उन्ना दे योग जान के जान की शाम सिंह नारला आगू उस जथे बंदी दा गया चुनिया चुनिया नभाई सेवा तनो मनो सिख कौम दी योदे योदे चंगा जुदा वेच लाड़ के इतिहास कहिंदा बाबा शाम सिंह नारला नूं बाबा मस्तान सिंह दी जगह ते कौम दा सेवादार ताब दित्ता गया जोग जान के सेवा कौमी सेवादारा ने बाबा शाम सिंह नारला नूं सौंप दित्ती जिवें बाबा मस्तान सिंह जीवन विच विचरिया सिखी दा उन्हें प्रचार कीता अंडे बाटे दी पौल दे के प्रजा नूं सिखी दे नाल जोड़िया उसे मिशन नूं बाबा शाम सिंह नारला ने जीवन पर नवाया एक नहीं अनेक थावां ते इतिहास में जिक्र मिलता है कि कई नौजवान गभरू बाबा शाम सिंह नारला दे डेरे ते जाके खंडे बाटे दी पौ लैके सिंह सजदे रहे जिन्हां विच बाबा सुखा सिंह जी कंबू की मारी वाले दा विशेष जिक्र आउंदा है भाई बलवंत सिंह दा जिक्र आउंदा है होर कौमी जरनैलां दा कौमी परवानियां दा जिक्र आउंदा है बाबा मस्तान सिंह दी थां ते बाबा शाम सिंह नारला कौम दा सेवादार जथेदार बनिया है कल्लू घारे विच अहमद शाह अब्दाली दे नाल डट के बाबा शाम सिंह नारला रलिया है 1762 फरवरी का महीना है जदों अहमद शाह अब्दाली 1.5 लाख फौजां लैके काबुल तो चढ़िया है उन्हें कुरान की सहु खाधी सी कि एक भी सिंह मैं पंजाब की धरती से ज्यौंदा नहीं छड़ना अपनी ताकत का अनुमान से हंकारिया होया अब्दाली लाहौर आया इधर सिख सरदार माझे की धरती छड़ के कहिंदे मलेरकोटले के इलाके चले गए आराम दे नाल सिख सरदार अपने परिवारां नूं बच्चों नूं लैके इस इलाके विचर रहे सन जदों रात दे विखे अहमद शाह अब्दाली ने भारा हल्ला सिख सरदारां ते कीता मिसलां दे सरदार सरदार जस्सा सिंह आलूवालिए वर्गे बाबा शाम सिंह नारले वर्गे योधे और बाबा चरत सिंह वर्गे सिदकी जरनैल जदों अहमद शाह अब्दाली नूं आउंदियां तकिया तलवारां सूत के अब्दाली दे गल पै गए बाबा शाम सिंह नारला उस वहीर की रक्षा करता रहा जेड़े वहीर विच मासूम बच्चे सन औरतां सन बजुर्ग सन बाबा शाम सिंह नारला दा करनी नामा है कि उस घल्लू घारे दे विचों सिख परिवारां दीआं जानां नूं बचाउणा बाबा शाम सिंह नारला दे उपर कौम सदा माण करदी रहेगी फकर करदी रहेगी संधु खानदान नूं सदा माण रहेगा उन्हें बाबा शाम सिंह नारला वर्गे जवान पैदा किए संधुआं का इतिहास पढ़िया जाए कदे बाबा काला मार संधु होया है जिन्हें अपने परगने ते विरोधियों नूं कदम नहीं रखन दिता अज पंजाब की धरती से जिथे जिथे संधु सरदार वसदे है याद रखो उन्होंने को जमीन दुनिया के लोगों नालों ज्यादा उन्होंने गुजारे सौखे ने इहदा कारण है कि इन्हों का वड वडेरा संधुआं का वडेरा बाबा काला मार संधु होया है
जदों परगने मलण दा रवाज सी उह मर्द तलवार दा धनी है उहने बगानियां नूं अपनी सरजमीन दे उपर पैर नहीं रखन दिता इसे तरह बाबा दीप सिंह वर्गे योधे इस खानदान ने पैदा किए सरदार भगत सिंह वर्गे मर्द पैदा किए जिहड़े आजादी की खातर फांसियां ते झूठ गए बाबा फतेह सिंह वर्गे धर्मी पैदा किए जिहड़े सरदार शाम सिंह अटारी दे नाल सभरावां दे मैदान विच जूझ के शहीद होए संधुआं दे विच राजे कोर्स तों पहला राजा चरमुख संधु होया जदों जनानी लोग हिंदुस्तान ते चढ़ के आए उस राजे ने अपनी तलवार दे यौर उखाए और विरोधियां दे दंद खटे कीते राजे महाराजे सूरबीर बहादुर महादानी संधु परिवार विच पैदा होए ने बाबा शाम सिंह नारला संधु खानदान दा रतन है वो सदा चमकदा रहेगा आओ तकिए किहड़ियां महिमां विच बाबा शाम सिंह नारला जूझिया वो सारा वेरवा बाबा शाम सिंह नारले दे समुचे जीवन दा इन्हां सत्रां विच इंज बयान कीता जा रहा है ओ करां परनाम कौमी जथेदार नूं जो आपू बुड्ढे दलदा धर्म नभाउण ते कमाउण वाला जी हक रखे पलदा ओह पाउंदा है मदान जंग च जुट पाउंदा शीस कलीए शाम सिंह नाल राजवाड़ आण की जोदा महाबलीए ओ मेरा परनाम कौमी जथेदार नूं जो आगू बुड्ढे दलदा धर्म नभाउण ते कमाउण वाला जी हक रखे पलदा काठ कड़ोलै हर द्वार नूं जगीर जिन्ने मल्लीऐ शाम सिंह नाल राजवार आण की जोगा महाबलीऐ बिखड़े समय च कीती सेवा कौम दी पैण जंगी बाणा है अमृत सार दी पशम दिशा दे पुंगे चित टाणा है अंत प्रकाश विच तंगू साहिब जी दे के हाथ सुनी है शाम सिंह नार लाजवार अण की योदा महाबली है नीर कड होया सरदार चोटी दा जी दा कोई ना सानी है जीदे बाल अगे पेट सके पालना कोई अब मानी है वीर की नजर की चिकार तार में दुआ ते सुवरनी है शाम सिंह नार लाजवार अण की योगा महाबली है आशीष नहरिया कपूर सिंह दा शाम सिंह नारला एक भांडे विच खांदे दोवें सूर में रीज ते प्यार ना इससे भी विरोधी जदों भागी जानी है दूनी मोड़ तल्ली है शाम सिंह नार लाजवार अण की योदा महाबली है शाम सिंह शेर ने पिलाया सारिया नगर तठाणी है आकी सदवाया ओ किला अजेत सी हां बगैदरानी है जग विच आण वैरियां खेलिया खेड ही अवली है शाम सिंह नार लाजवान अण की योदा महाबली है जग विच उची चमकाई सूर में ओ जग विच उची चमकाई सूर में संधुआ दी गोद जी करिया जगीरा दान दिल खोल के दस दे सरोत जी चर चाहे श्री हर पिंड पिंड ते हर गली गली है शाम सिंह नार लाजवार अण की योगा महाबली है राय सिंह नाल पुत्री भी आई सी बाबे शाम सिंह ने कन्या नु दित्ते उस मौके दाज है पूरे दस पिंड ने गड्डिया या शेर अग्गे जैन खान दे मट्टी काण थल्ली है शाम सिंह नार लाजवार अण की योगा महाबली है पते रहीड़े वाले कल्लू कारिया च शाम सिंह लड़िया जानदा भला के मोह कौमी शान लई हाथ खंडा फड़िया जी दे लहू अमर शहीदा दा काम ओह फली है शाम सिंह नार लाजवार अण की योदा महाबली है मोरियां दी याद विच उच्चे चूल दे केसरी निशान है मरियां शहीदां दियां सदा पूजदा मर
ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਪੂਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਫੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਜਵਾਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਾਰਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਛੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਉਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸਮ ਚ ਜਾਣ ਹੈ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਨੱਪਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉੱਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਤਵੀ ਫੜਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉੱਬਲ ਦੀ ਦੇਗ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਤੇ ਸੜਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜਝਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਖ ਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੜੀ ਤੱਕ ਦੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਹੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜੀ ਜੁਲਮੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹੌਂਸਲੇ। ਮੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਸੋਰਾ
फुला तो शरीर है दुनिया के नालों, दुनिया के नालों साडा विरसा अमीर है दुनिया के नालों। जल्लियां दे बाग विच गोलियां दे दाग ने जेड़ी था पंजा बना दे, जेड़ी था पंजा बना दे उजड़े सुहाग ने जेड़ी था पंजा बना दे। वो इक्की साली वैर लेंदा उदम शबीर है दुनिया दे नालों, दुनिया दे नालों साडा विरसा अमीर है दुनिया दे नालों। आपस दे विच वीरो सदा ही प्यार रखो बच्चियां दे सिरां उत्ते, बच्चियां दे सिरां उत्ते केस दस्तार रखो बच्चियां दे सिरां उत्ते। सांवरो अमर एता कीमती जगीर है दुनिया दे नालों, दुनिया दे नालों साडा विरसा अमीर है दुनिया दे नालों। सिख सभ्याचार की असल तस्वीर साडा विरसा साडा सभ्याचार साडा इतिहास दुनिया नालों विलक्षण और महान है। अज लोड़ है कौम की जवानी नूं अपने विरसे दे नाल अपने इतिहास नाल अपने साहित नाल जुड़न दी। ये छंद सरपंच साहब सरदार वरियाम सिंह जी सैदो सरदार दिलबाग सिंह जी सैदो की सिफारिश के उपर पढ़िया है। माणयोग बाबा बाज सिंह माड़ी मेघा वालियां दा भी मैं विशेष तौर उत्ते धन्यवाद करदा है। इन्हां शब्दां दे नाल कवीशर जथा खिमा।